बेटे तुम्हारे जो भी झगड़े हुए हैं उस सभी झगड़ों को भुला दो। अरे बाबा जी सीधा सीधा बोलिए, हमें घुमाइए मत। हेलो मेरे क्लासी दोस्तों, दिस इज अंकित मैथ्स स्किल्स एंड आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ मीनिंग ऑफ लेट बाय गोस बी बाय गोस। तो गाइस लेट बाय गोस बी बाय गोस हमारा एक ईडियम है जो हमारी कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए गाइस सबसे पहले जानेंगे कि इसका मतलब क्या है और उसके बाद जानेंगे कि हमें इसे अपने सेंटेंस में कैसे कैसे फिट करना है। तो गाइस इस फ्रेज का मतलब है पिछले झगड़े को भुला देना। जब भी गाइस हम अपने पिछले झगड़े को भुला देते हैं तो उस झगड़े को भुलाने का निर्णय के लिए हम लोग लेट बाय गोस और बी बाय गोस का यूज़ करते हैं। चलिए गाइस अब जानते हैं कि हमें इसको अपने सेंटेंस में कैसे कैसे फिट करना है। तो जो आप लोगों के पास पहला एग्जाम्पल है वो है अक्षय एंड विराज शुक हैंड्स एंड एग्रीड टू लेट बाय गोस बी बाय गोस। इसका मतलब हुआ कि अक्षय विराज ने हेलो मिलाई एंड उन्होंने हैंड्स को शेक किया और एग्री हुए सहमत हुए जो उनका पिछला झगड़ा था उस सभी झगड़े को भुलाने का उन्होंने गाइस निर्णय लिया। अब हम चले गए अपने सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। तो जो आप लोगों के पास सेकंड एग्जाम्पल है वो है आई फील वी शुड लेट बाय गोस बी बाय गोस एंड मूव ऑन। यानी मुझे फील होता है कि हमें जो हमारा पिछला झगड़ा हुआ उस सभी झगड़े को भुला देना चाहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो गाइस इस तरीके से हम लोग लेट बाय गोस बी बाय गोस का अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज का फ्रेज आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर गाइस आप लोगों को अच्छे से समझ आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और अगर हम लोग को फॉलो करना चाहते हो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो गाइस वो भी प्लीज़ सभी डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिंक डाल रखे हैं, वहाँ जाके हमें फॉलो कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ कीप प्रैक्टिसिंग एंड गिव योर बेस्ट शॉट।